हे एवरी वन वेलकम बैक टू विशेष क्लासेज आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स इसका क्या मतलब है कि देखो कि जैसे कि अगर हम समझें अपने आसपास टेक्नोलॉजी को देखें तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है ठीक है तो हमें पता होना चाहिए कि आजकल चल क्या रहा है तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई भी हैं कुछ सक्सीड भी हुई हैं कुछ टाइम के साथ फेड भी हुई हैं पर इस कुछ टेक्निक जो टेक्नोलॉजी थी उन्होंने बहुत अच्छा परसिस्ट किया है ओवर द टाइम और यूज़र्स के अटेंशन लिया जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनमें से एक है और जिनको बहुत सारी पॉपुलरिटी भी मिली है तो उन्हीं इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि और उनका हमारी इकनॉमी और इंट्रैक्शन डिजिटल सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी हम सब देखेंगे ठीक है पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ये जो चैप्टर है ये इलेवंथ की एनसीआर कंप्यूटर साइंस में से है जो कि एच पी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में भी है तो इसको क्लास इलेवेंथ के बच्चे भी कर सकते हैं और एच पी एस कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी ठीक है तो फर्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में हम जब मैप्स चलाते हैं तो हमें फास्टेस्ट रूट दिख जाता है अपने डेस्टिनेशन का ठीक है जब भी हम सोशल नेटवर्क पे हम अपलोड करते हैं फोटो तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि ऑटोमेटिकली आ गया होगा कि आपको टैग करने के लिए बोला गया होगा किस पर्सन क्या ये वही पर्सन है तो ये सारी एप्लीकेशन किसकी हैं ए की जो इंट, इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट है जैसे कि आपकी सीरी हो गई गूगल हो गई एलेक्सा हो गई ये भी सब किससे पावर्ड हैं ए से बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है वो अपने अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंस लाता है ह्यूमन बींग्स की मतलब मशीन होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स की नेचुरल इंटेलिजेंस लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है ठीक है एक कोई भी इंटेलिजेंट मशीन होगी तो वो क्या करेगी ह्यूमन की तरह ही रिएक्ट करेगी उसकी तरह ही लर्न करेगी उसकी तरह ही उसके डिसीज़न मेकिंग बनाएगी और उसी की तरह वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ठीक है अगर हमें चाहिए कि ये मशीन परफॉर्म करे टास्क विद ह्यूमन मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन तो उनको हमें क्या करना चाहिए एक नॉलेज बेस क्रिएट करना चाहिए और उसके बेस पर डिसीजन लेगा वो मतलब देखो अगर हम यहाँ पे बेसिकली अगर हम आइडिया देखें मोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है कि कुछ नहीं है हम क्या करते हैं कि एक मशीन क्रिएट हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह ही काम करेगी वो उसी तरह डिसीजन लेगी उसी तरह करेगी उसमें बेसिकली हम एक नॉलेज बेस क्रिएट कर देते हैं मतलब कि इंफॉर्मेशन uh, क्रिएट कर देते हैं और उन्हीं के बेस पर वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर भी लर्न करता है और उसी के हिसाब से वो क्या लेता है फिर डिसीजन लेता है ठीक है uh, तो नॉलेज बेस यहाँ पर क्या है एक स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर फैक्ट्स एजम्शन रूल्स सारे होंगे जिसके बेस पर वो ए क्या करेगा जो मशीन है ए मशीन वो आपका क्या लेगी डिसीजन ठीक है नेक्स्ट आता है इसी में मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग क्या है एक सब सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इसका एक सब सिस्टम बोल सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर को एबिलिटी है टू लर्न डेटा फ्राम यूजिंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक ठीक है मतलब वो कोई एक्सप्लिस uh, प्रोग्राम नहीं होता ह्यूमन बीइंग से बस वो क्या करता है कि उसके पास स्टैट्स स्टैट्स होते हैं जिनके बेस पर वो क्या करता है काम करता है ठीक है इट कम्प्रोमाइज एल्गोरिथम डेट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रडिशन मतलब ये किस एल्गोरिथम पर काम करता है कि जो डेटा है वो खुद से ही सीखता है खुद से ही लर्न करता है और उसी के बेस पे क्या बनाता है प्रिडिक्शन इसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं उसमें क्या होता है पहले उनको ट्रेन किया जाता है फिर एक ट्रेनिंग डेटा से उनको टेस्ट करते हैं मतलब हम एक टेस्टिंग डेटा भी बोल सकते हैं सो so, जब सारी ट्रेनिंग हो जाती है जब सारे मॉडल्स अवेलेबल हो जाते हैं एक्सेप्टेबल लेवल में तो हम उनको प्रिडिक्शन अब हम उनको नया और अननोन डेटा देते हैं ताकि हम देख सकें कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे मतलब मशीन लर्निंग बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपने एक बार टेस्ट कर लिया मतलब आपने कुछ सिनेरियोस दे दिए जो उसको पता थे ठीक है उसके बेस पे वो डिसीजन बार-बार बना रहा है जब वो सक्सेस हो जाएगा फिर हम उसको क्या देना शुरू करते हैं अननोन या नया डेटा देना शुरू करते हैं फिर देखते हैं कि उसने कितना सीखा है और वो उसके बेस पे कितने अच्छे से डिसीजन बना पा रहा है ठीक है पर ये होता सारा स्टैट्स बेस्ड पे ही है ठीक है इसमें कोई भी आ, प्रोग्राम नहीं होता ह्यूमन बीइंग का इसके एल्गोरिथम सारी मॉडल्स पे ही काम करती है ठीक है नेक्स्ट आता है एनएलपी दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है जो प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर है सर्च इंजन का जो हमें सजेस्ट कर देता है नेक्स्ट वर्ड देखा होगा ना कभी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो जैसे ही आप टाइप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या दिख जाता है आ, पूरा दिख जाता है कि क्या कि आप ये सर्च कर रहे हो जैसे कि मैंने एच पी लिखा तो वो एच पी कंप्यूटर साइंस एच पी केमिस्ट्री तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा ठीक है सो so, ये एग्जाम्पल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये किसके साथ डील करता है डील करता है इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज़ हिंदी इंग्लिश ये इंट्रैक्शन कैसे करता है ह्यूमन और कंप्यूटर को स्पोकन लैंग्वेजेस में हिंदी या इंग्लिश हमें बोल सकते हैं मतलब पॉसिबल है इसमें सर्च करना वेब और ऑपरेट पर और अपने कंट्रोल करना डिवाइस को यूजिंग अवर वॉइस ये कैसे पॉसिबल है सारा एनएलपी पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे बैठा है कोई आदमी ठीक है तो वो क्या कर रहा है बोल रहा है अपने टीवी पे बोल के कर रहा है तो वो उसको सर्च कर रहा है ठीक है तो एन सिस्टम क्या परफॉर्म करती है टेक्स्ट टू स्पीच मतलब आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना फिर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन करना ठीक है सो मशीन ट्रांसलेशन बहुत ही रैपिडली इमर्जिंग फील्ड है जहाँ पर मशीन को ऑलरेडी वो क्या कर रहे हैं ट्रांसलेट कर रहे हैं टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर देखो इसका कितना अच्छा फायदा है मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है इंटरेक्ट करता है सर मतलब अपने कस्टमर्स को ताकि उनके क्वेरीज और कंप्लेंट को सुन पाए मतलब आपको कोई लैंग्वेज नहीं पता है तो आप एन के थ्रू आप वहाँ से क्या कर सकते हो सीख सकते हो या फिर आपको वो हेल्प करेगा ट्रांसलेट करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी नेक्स्ट आता है इमर्सिव एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिस इमरसिव uh, एक्सपीरियंसिस का क्या मतलब है देखो क्योंकि थ्री डी वीडियोग्राफी हो रही है तो आजकल मूवीज़ देखने का थिएटर में अलग ही नया लेवल है ठीक है सो वीडियो गेम्स भी इसी से डेवलप किए जाते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस हमें क्या अलाउ करता है कि हम विजुलाइज करें फील करें देखें कि हमारे मतलब अपने सेंसेज uh, से कि कैसे ये हमारा इंट्रैक्शन और इन्वॉलमेंट बढ़ाता है आपको चीज़ें क्या लगती हैं ज़्यादा रियलिस्टिक और इंगेजिंग लगती है ठीक है इमर्सिव एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड इन फील्ड ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे जैसे ड्राइविंग सेमुलेटर्स के लिए फ़्लाइट सेमुलेट मतलब कि जहाँ पे भी अगर आपको गाड़ी सीखनी है फ़्लाइट किसी को पायलट बनना है तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप रियल में ही चला रहे हो ठीक है सो वर्चुअल रियलिटी और ये दो तरीके से किया जा सकता है वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड वर्चुअल रियलिटी देखो क्या है कि सब कुछ वर्चुअल हो रहा है मतलब आप वो प्रेजेंट नहीं है पर फिर भी आप हर चीज़ को फ़ील कर पा रहे हो और आजकल तो ये बहुत अपर लेवल पे चला गया है कि आप सेंस भी कर पाते हो ठीक है आपको खुशबू भी आती है मतलब ये सारा एक ऐसे डिज़ाइन सब क्रिएट किया गया है अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत सारे आपको मॉल में मिल जाएंगे ऐसे ऐसे जहाँ पर आप अगर आप थ्री डी फाइव डी वीडियोज़ देखने जाते हो तो वहाँ पर सारा वो वर्चुअल रियलिटी पे ही है ठीक है सो एवरी थिंग डैट वी एक्सपीरियंस इन अवर रियलिटीज़ परसीव थ्रू अवर सेंसेस मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी रियलिटी में वो किसके थ्रू करते हैं सैंसेस के थ्रू सो so, यहीं से एक आइडिया आया कि अगर हम अपने प्रेजेंट को मतलब एक मेडअप और नॉन रियल इन्फॉर्मेशन में दें तो उसका परसेप्शन तब भी वैसा ही होगा ठीक है मतलब कि अगर मैं वर्चुअल रियलिटी में आपको लेके जाऊँ मैं बिल्कुल आपको उसमें कर दूँ कि यार ये बिल्कुल सच में हो रहा है तो आप बिल्कुल वैसे ही साइंस करोगे करोगे ना क्योंकि रियलिटी में जब आप वैसे ही कर रहे हो तो आप वर्चुअल रियलिटी में भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये रियली हो रहा है आपके साथ सो यूज़र कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर दैट इन्वायरमेंट बट वो ऑब्जेक्ट कर रहा है ठीक मतलब है थीके? तो वर्चुअल रियलटी अभी कैसे अचीव हो पा रही है वी आर हेडसेट्स के थ्रू इन ऑर्डर टू तो मेक द एक्सपीरियंस ऑफ वी आर मोर रियलिस्टिक इट प्रोट्स अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक मतलब ये दिखाता तो है आपको पर यह और भी अलग अलग सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है जैसे कि साउंड स्मेल मोशन टेम्परेचर कंपेरिटिवली न्यू फील्ड है और बहुत सारी इसकी जो एप्लीकेशन है वो गेमिंग फील्ड में बहुत चल रही है मिलिट्री ट्रेनिंग में भी चल रही है मेडिकल प्रोसीजर में भी एंटरटेनमेंट में भी सोशल साइंस में भी साइकोलॉजी में भी इंजीनियरिंग में भी जहाँ पर भी साइमोलिशन की आपको जरूरत है वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रही है ठीक है नेक्स्ट आता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या है द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्शुअल इन्फॉर्मेशन ओवर एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटिड मतलब कि डिजिटल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड में लेके आना उसके साथ साथ जितनी भी है सेंसरी रिक्वायरमेंट उनको और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना यूज़र क्या कर सकता है अपने नियरेस्ट प्लेसेस का इंफॉर्मेशन ले सकता है मतलब कि वो कैसे चूज़ करें कैसे कौन से प्लेसेस देखें यूजर रिव्यूज़ के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड ए आर ऐप ट्रैवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल पॉइंट जस्ट पॉइंटिंग बाई देयर कैमरा व्यू फाइंडर जैसे कि हम देख सकते हैं देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे लोकेशन बेस्ड ऑग्यूमेंटेड मतलब वो सिर्फ कैमरा उसको वहाँ पे करना है उस ऐप के थ्रू और वो वहाँ पे उसकी उसकी हिस्ट्री बता देगा या फिर कुछ भी जो उसके इससे रिलेटेड होगा ठीक तो है जो लोकेशन बेस्ड ए आर ऐप्स हैं वो मेज़र फॉर्म्स हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के नेक्स्ट आता है रोबोटिक्स रोबोट रोबोट तो यार हमने सब नहीं सुना है कि क्या है कि मशीन है जो आपको क्या करती है वो कैपेबल है कि वो सारे टास्क कर देगी विद एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन पर ये होता कैसे है उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है जिसके जिसमें वो क्या करता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है गिवन थ्रू, थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम ठीक है मतलब जो रिपोई रोबोट्स इनिशियली डिज़ाइन इसलिए हुए थे कि जो बोरिंग और स्ट्रेसफुल टास्क है वो ह्यूमन के ऊपर ना आए या फिर जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है उसकी जगह हम रोबोट को यूज़ करें ठीक है सो तो इसमें सेंसर्स एक बहुत प्राइम कंपोनेंट है रोबोट्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स जैसे कि व्हील्ड रोबोट्स लेग रोबोट्स मैनिपलेटर ह्यूमेइट्स ह्यूमनोइट्स क्या होते हैं कि जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह लगते हैं उनको हम ह्यूमेट्स बोलते हैं तो जो रोबोट्स है आज कहाँ यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में मेडिकल साइंस में बायोनिक्स में साइंटिफिक रिसर्च में मिलिट्री में कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन है जो एक रोबोटिक स्पेस मिशन है जो कि प्लानट मार्स के बारे में पढ़ रहा है ठीक है सोफिया एक ह्यूमेनॉइड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती है विजुअल डेटा प्रोसेसिंग यूज़ करती है फेशियल रिकॉग्निशन और ह्यूमन के जेस्टर्स भी वो क्या करती है इमिटेट करती है और फेशियल एक्सप्रेशन भी बनाती है ठीक है ड्रोन है जो एक अनमैनड एयरक्राफ्ट है जो कि रिमोटली कंट्रोल होता है और सॉफ्टवेयर की कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स होते हैं उसके अंदर जो कन्जक्शन मतलब ऑन बोर्ड सेंसर और जीपीएस के थ्रू काम करते हैं ड्रोन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं आजकल जर्नलिज्म में मतलब अगर आपको एरियल फोटोग्राफी करनी है उसमें शिपिंग और डिलीवरी एट शॉर्ट डिस्टेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्थ केयर ऑपरेशन में जियोग्राफिक मैपिंग में स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शन में एग्रीकल्चर में वाइल्ड लाइफ में तो कितनी जगह आपके क्या हो रहे हैं रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं ठीक है मतलब आपको समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना यूज़ है यार मतलब इनके थ्रू हम कितना कुछ देख पा रहे हैं वर्चुअल और फ्यूचर ही यही है टू में मतलब आपको मतलब पूरा ही आपको ऑटोमेटिक दिखेगा मेट्रो सिटीज़ में तो अभी काफ़ी कुछ हो गया है पर अभी आगे जाके अभी हम अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ठीक है होता भी है और अभी करंटली हो भी रहा है और आगे भी बहुत होगा ठीक है तो इस वजह से हम ये सब पढ़ रहे हैं ताकि अगर आप आ, मतलब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी क्या चल रही है मतलब करंट में क्या चल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं नेक्स्ट आता है बिग डेटा देखो अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट uh, हमारे हर उसमें है में ठीक है मतलब डेट डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत बहुत अच्छे रेट पे मतलब बहुत बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है ठीक है सो हमारे पास हैं भी कितने बिलियन नेट इंटरनेट यूज़र है और बहुत सारी जो वर्ड्स हैं वो वेब ट्रैफिक हमारी स्मार्टफोन से आ रही है ठीक है फिगर अगर हम ये वाली देखें तो इसमें देखो कि सिर्फ सिक्सटी सेकेंड्स में कितना सारा डेटा जनरेट हो रहा है अराउंड वन मिलियन स्नैप्स क्रिएट होती है टू मिलियन ई मेल सेंट होती है सर्च क्वेरी होती है फोर फोर्टी पोस्ट अपलोड होती है टू मिलियन वीडियो व्यूज आते हैं यूट्यूब पर तो आप देखो कि कितने अमाउंट में हमारा डेटा क्रिएट हो रहा है और ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया ठीक है तो अगर हम देखें तो ये और ये बढ़ ही रहा है ठीक है क्योंकि हमारे पास क्या है कंटिन्यूस एवोल्यूशन हो रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम वो आगे पढ़ेंगे कि आईओटी क्या है तो इसमें क्या होता है कि जनरेशन हो रही है बहुत सारे डेटा सेट की और जिसको हम क्या बोलते हैं बिग डेटा बिग डेटा अब सच डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज और अब हम इनको क्या कर सकते हैं इस अगर हमें इसको प्रोसेस करना या एनालाइज़ करना है तो हम ट्रेडिशनल डेटा और प्रोसेसिंग टूल से नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ वॉल्यूम इनइस नहीं है ये अनस्ट्रक्चर्ड भी है क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड क्या है कोई पोस्ट डाल रहा है कहीं मैसेजेस आ रहे हैं कोई चैट है कोई फोटोग्राफ है, है जो हम वेरियस वेरियस साइट्स पर कर रहे हैं कोई ट्वीट कर रहा है कोई ब्लॉग कर रहा है कोई न्यूज़ आइटम है कोई ओपिनियन पोल मतलब उन कमेंट ऑडियो वीडियो चैटरस्ट्रक्चर्ड है मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना कि आपको एक फ़ाइल मिली और आपने उसको प्रोसेस uh, कर दिया ठीक है सो बिग डेटा ना सिर्फ वॉल्यूमिनस डेटा रिप्रेजेंट करता है ये इसके अंदर अलग अलग चैलेंज भी आते हैं कि आप उसका इंटीग्रेट कैसे करोगे आप उसको स्टोर कैसे करोगे एनालिसिस कैसे करोगे सर्चिंग कैसे करोगे प्रोसेसिंग कैसे करोगे ट्रांसफर और क्वेरिंग कैसे करोगे और विजुलाइज कैसे करोगे डेटा को ठीक है सो बिग डेटा सब कभी कभी मतलब रिच इंफॉर्मेशन होल्ड करता है और नॉलेज विच इज ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू और यहाँ पे कीन एफर्ट है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर और मेथड टू प्रोसेस मतलब बिग डेटा को अभी करना सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि यार अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे हम नहीं एनालिसिस करेंगे तो कितना सारा डेटा है जो क्रिएट हो जाएगा जो कि बल्क गार्बेज क्रिएट करेगा ठीक है वेब गार्बेज भी हम बोल सकते हैं सो so, करेक्ट्रिस्टिक्स क्या है बिग डेटा की अगर आपको पता है कि इससे चलेगा कि ये बिग डेटा ही है क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स आती है वॉल्यूम मतलब जो मोस्ट प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इसका इनोमरेज साइज इफ अ पर्टिकुलर डेटा सेट इज ऑफ लार्ज साइज दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस इट विद ट्रेडिशनल डी बी एम एस टूल इट कैन बी टर्म मतलब जो पर्टिकुलर डेटा इतना बड़ा है कि हम उसको ट्रेडिशनल डी बी एम एस टूल से ऑपरेट uh, प्रोसेस नहीं कर सकते तो हम इसको क्या बोलते हैं बिग डेटा वेलोसिटी क्या है इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड बिग डेटा हैज़ एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा सेट्स विलॉसिटी क्या है कि वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है uh, मतलब इसकी रेट इतनी है कि वो ट्रेडिशनल हाई डेटा सेट का हम देखें तो उससे क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली हायर रेट है तो इसकी हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं वैरायटी क्या है कि देखो बहुत सारा डेटा है स्ट्रक्चर्ड भी है सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है अनस्ट्रक्चर्ड भी है कुछ एग्जांपल कैसे हैं टेक्स्ट भी है इमेजेस भी हैं वीडियोस भी हैं वेब पेजेस भी हैं सो ऑन नेक्स्ट आता है, so है वेरेसिटी इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि बिग डेटा समटाइम्स क्या होता है इनकन्सटेंट होता है बाइज्ड होता है नॉइज होता है और एबनॉर्मिलिटी भी होती है कई बार डेटा में सो so, वेरेसिटी रेफर करता है कि ट्रस्ट वर्दीनेस कितना है कि हमने सही से सही वाला डेटा भी प्रोसेस किया है नहीं या फिर हम इनकरेक्ट डेटा ही प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि इनकरेक्ट डेटा अगर आप करोगे तो वो आपको इंटरप्रिटेशन भी क्या देगा गलत ही देगा ठीक है नेक्स्ट आता है वैल्यू अब बिग डेटा इज़ नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो पोजेस टू हैव हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज विच कैन बी ऑफ फाइव अब देखो ऐसा नहीं है कि सारा ही गार्बेज है जो भी जनरेट हो रहा है कुछ इंफॉर्मेशन यूजफुल भी है सो so, बट वो एक कॉस्ट वन एक इन्वेस्टमेंट लगती है उसको समझने में ठीक है वी शुड मेक अ प्रेमिनरी इंक्वायरी टू सी द पोटेंशियल ऑफ बिग डेटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिस्कवरी और एल्स अवर मतलब हमें कुछ पहले कुछ देख लेना चाहिए कि यार इससे हमें कुछ मिल जाएगा यानी वरना हमारा एफर्ट भी वेस्ट जाएगा और हमारी जो डिस्कवरी है वो भी क्या हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी अब हम डेटा एनालिटिक्स कैसे कर सकते हैं बिग डेटा का ठीक है so, सो डेटा एनालिटिक एक प्रोसेस है कि आप एग्जामिन कर रहे हो डेटा सेट को इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉमेशन डैट कंटेन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसके बारे में आपको एग्जामिन करना है डैट इज़ द डेटा एनालिटिक्स अब डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि इतना डेटा आ रहा है तो आपको एनालाइज भी साथ साथ करना पड़ेगा ठीक है वो बेसिकली कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ताकि आप मतलब ज़्यादा इंफॉर्म्ड बिजनेस डिसीज़न बना सको इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रिसर्चर के लिए है ताकि आप वेरीफाई या डिसअप्रूव कर सको साइंटिफिक मॉडल को पांडाज इज़ ए लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन डेट कैन बी यूज एज ए टूल टू मेक डेटा एनालिटिक्स मच मतलब एक पांडा panda, पांडाज करके लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो यूज़ होती है और पाइथन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना डेटा एनालिटिक्स को सिंपल बना सकें ठीक है नेक्स्ट आता है आई जो टर्म है कंप्यूटर नेटवर्क वो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अगर हम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं ठीक है तो ऐसा नेटवर्क क्या कंसिस्ट करता है लैपटॉप भी डेस्कटॉप भी सर्वर भी और पोर्टेबल डिवाइस भी ठीक है अगर देखो अभी तक तो हमारे सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्ट थे अगर इमेजिन uh, करो कि हमारे बल्ब भी स्मार्ट हैं फैंस भी रेफ्रिजरेटर भी जो कि ऑलरेडी हो चुका है ठीक है और ये सब किस में आता है अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ठीक है तो uh, वो मतलब वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ मतलब कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो एडवांटेज और ट सोचो कि कितने हमारे अगर स्मार्ट कनेक्टिविटी होती है तो कितना हमारा टाइम भी बचता है और कितना हमारी टेक्नोलॉजी भी कितनी इन्स्ड हो गई है कि हम आ, स्मार्ट टीवी स्मार्ट वॉच मतलब ये सब सब आ गया स्मार्ट बल्ब कि आप बैठे बैठे बल्ब ऑन कर पा रहे हो या फिर आप कहीं पर थे आपने वहाँ पर करना भूल गए हो तो आप वैसे कर सकते हो तो कितनी कितनी यूजफुल चीज़ें भी हैं हमारे उसमें ठीक है सो so, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या एक नेटवर्क ऑफ़ डिवाइस है जिसका एक एम्बेडिड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ या डिवाइसेस के साथ से ठीक है जैसे कि देख रहे हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं सो एट प्रेजेंट इन टिपिकल हाउस होल्ड बहुत सारे डिवाइसेस के पास एडवांस हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर भी हैं ये डिवाइसेस हम आइसोलेशन में यूज करते हैं विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शन सो बट आईआईटी क्या है कि इन डिवाइसेस को लेके आया जहाँ पे आपके वो ह्यूमन uh, इंटरवेंशन को कम करता है मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ माइक्रो ओवन एंड एयर कंडीशनर डोर लॉक सीसीटीवी कैमरा और मतलब like, like वो सिर्फ किससे कनेक्ट है इंटरनेट से कनेक्ट है और हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि आजकल का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है जो कि आपके घर में कैमराज लगे होते हैं कि अगर आप बाहर हो फिर भी आप कैमरा के थ्रू देख सकते हो कि किसी ने एंटर तो नहीं किया है ठीक है नेक्स्ट आता है वेब ऑफ थिंग्स सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें अलाउ करती है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन या कंप्यूटर तो so, एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है पर अगर हमें एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइस करने हैं तो हमें एन नंबर ऑफ इंस्टे क्या हमें इंस्टॉल uh, uh, करनी पड़ेंगे एन डिफरेंट ऐप मतलब बहुत इनकनवीनियंट नहीं हो जाएगा सो द वेब इज़ ऑलरेडी बींग यूज एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट सो हम वेब को यूज़ करते हैं मतलब विल इट बी पॉसिबल टू यूज़ द वेब इन सच अ वे दैट ऑल थिंग्स कैन कम्युनिक किट विद ईच अदर इन efficient मैनर by इंटीग्रेटिंग them टुगेदर तो so, uh, ये बोल रहा है कि uh, क्या मतलब पॉसिबल है कि ऐसा कि वेब ऐसा क्रिएट कर दें कि जो सब चीज़ों के साथ इफेक्टिवली क्रिएट करें पर ऐसा है वेब ऑफ थिंग्स हमें अलाउ करते हैं कि हम वेब सर्विसेज से कनेक्ट हों मतलब फिजिकल वर्ल्ड में uh, ये हमारी क्या करता है कि जैसे कि हमारे स्मार्ट होम स्मार्ट ऑफिस स्मार्ट सिटीज़ ये सारे क्रिएट करके हमें देता है ठीक है जहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होगा बिल्कुल कम होगा नेक्स्ट आता है सेंसर्स देखो सेंसर्स क्या होता है क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन को होल्ड करते हो वर्टिकली और डिस्प्ले भी चेंज हो जाता है ठीक है अगर आपने ऑटो रोटेट ऑन किया हुआ है सो ये हेल्प किसके हैं सेंसर्स के मतलब एक्समिलेटरी और गायरोस्कोप से सो एक्सलोरोटर क्या करता है आपके मोबाइल फ़ोन में डिटेक्ट कर लेता है कि ओरिएंटेशन क्या है और ये गायरोस्कोप है ये सेंसर क्या करता है कि रोटेशन और ट्विस्ट आपके हैंड की ठीक है और वो फिर एक्सलोरोटर को क्या दे देता है इन्फॉर्मेशन देता है कि यार साइंस हो गया मतलब साइंस एक कोई कुछ हुआ है मुझे कुछ साइंस हुआ है तो क्या सेंस हुआ है कि यार रोटेट कर दो मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दो सो so सेंसर्स क्या है कॉमनली यूज्ड होते हैं मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो एवोल्यूशन है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत आईओटी में क्योंकि देख देखो जब भी उसने सेंस किया उसने एक नया इंटेलिजेंस सिस्टम क्रिएट किया ठीक है मतलब एक नया इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया उसके लिए तो एक स्मार्ट सेंसर क्या एक डिवाइस है जो इनपुट लेता है फिजिकल इन्वायरमेंट से यूज करता है अपना बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्स टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शन अपॉन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट और फिर उसके बेस पे ही उसको क्या करता है प्रोसेस करता है ठीक है नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटीज देखो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो लोड हमारी सिटीज पे बढ़ रहा है डे बाय डे और चैलेंजेस भी हो रहे हैं कि हम इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि लैंड वाटर वेस्ट एयर पॉल्यूशन हेल्थ सैनिटेशन ट्रैफिक कंजेशन पब्लिक सेफ्टी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड रेल ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी इन सबको कैसे मैनेज करें सो so, ये चैलेंजेस मतलब बहुत सारे सिटी प्लानर्स को फोर्स कर रहे हैं कि कुछ ऐसे स्मार्टर वेज देखा जाए यार कि जिसको हम इसको अच्छे से मैनेज भी कर सकें और जो सस्टेनेबल हो और जो लिवेबल भी हो सो so, जो एक आइडिया दिया हुआ है ये स्मार्ट सिटी का कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है वायरले मतलब अलग अलग जगह सेंट्रल कंप्यूटर लगे हुए हैं वायरलेस सेंसर्स हैं सेंसर नोट्स हैं वायरलेस सिग्नल्स हैं सो so, जो आइडिया है वो क्या है कि हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं आई के थ्रू ताकि हम अपने रिसोर्सेज को मतलब अलग अलग रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें तो जो स्मार्ट बिल्डिंग क्या करेगी मतलब वो क्या सेंसर्स लगे होंगे तो क्या डिटेक्ट कर लेगी अर्थक्विक ट्रे ट्रैक कर लेगी कि यार अभी अर्थ क्वेक आ सकता है थोड़े टाइम पर तो वो बिल्डिंग को पहले ही वॉन कर दिया जाएगा ठीक है स्मार्ट ब्रिज यूज़ करेगा वायरलेस सेंसर टू डिटेक्ट यानी कोई लूज बोल्ट तो नहीं है केबल तो नहीं है मतलब कोई क्रैक तो नहीं है ये फिर से uh, मतलब अथॉरिटी को कंसर्न करेगा एस के थ्रू और ये सब किसके थ्रू हो रहा है कि हमने सेंसर्स भी लगाए हैं वायरलेस सिग्नल्स भी जा रहे हैं सेंसर नोड्स के थ्रू ठीक है हमारे सेंट्रलाइज कंप्यूटर को सो so, हर एक स्वेयर ऑफ लाइफ इन सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन ये हम सब किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं अपने आई के थ्रू और ठीक है सेंस के थ्रू ये सब किस में आता है आपके आई में आएगा ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा Uh, अगर कोई भी डाउट है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई थिंक एक uh, एक अभी ये पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है पार्ट टू में हम क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन uh, का देखेंगे पूरा कंसेप्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और uh, ये आप मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आप ये देखें कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आई की और कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इससे आपके क्या होगा ब्रेन भी होगा और आप नए नए आइडियाज़ के साथ भी हमारे साथ आएंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो क्रिएट करने में सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू